और एक इसका ये हॉर्न है, ये हॉर्न भी मेरे को डिसेंट लगा। मेरे को आपको लगेगा ही नहीं कि मैं मेरी ब्रेक लूज हो रही है या मेरे को कहीं से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सबसे बड़ा मेरे को जो प्रॉब्लम वो लगी इस स्टैंड में, अपना हैंडल की वाइब्रेशन का, हैंडल में वाइब्रेशन है बिल्कुल है, तो ये टायर बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्लिप करते हैं, मतलब बाइक जब चल रही है तो कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, जीरो वाइब्रेशन है, जीरो। तो उससे ये पेंट ही उतर गया। और भाई मेरे को इस बाइक ने ओवरऑल एवरेज दिया है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली भाई घर आ गए हैं ठीक ठाक, कल मैं पहुंच गया था टाइम से। तो आज का वीडियो है स्पेशली बाइक के रिव्यू के ऊपर, जो मैंने बाइक चलाई वहाँ पे टोटल जो मैंने बाइक चलाई अभी तक 2380 किलोमीटर चलाई है, जिसमें से 850 किलोमीटर चलाई है मैंने प्लेन एरिया में और बाकी सब पहाड़ों में चलाई है ऑलमोस्ट। तो आपने देखा ही होगा भाई हम मनाली गए थे, जी भी गए थे, करना तो बहुत कुछ था, बहुत अलग अलग जगह जाना था, बहुत घूमना था, लेकिन बारिश ने सब कुछ ख़राब कर दिया। बट कोई नहीं, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला और बाइक का भी पता लगा मेरे को, बाइक कैसे कैसे कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है इन कंडीशंस में, भाई कैसे ये रेन में कैसे परफॉर्म करती है, बहुत ज़्यादा ठंड में कैसे परफॉर्म करती है, खड्डों में कैसे परफॉर्म करती है, मतलब सब टाइप से एक टाइप का मैंने पूरा इसको पूरा रफली चलाया, जितना हो सकता था मेरे से उतना रफली चलाया, ज़्यादा रफ तो नहीं चलाया क्योंकि ये मेरी खुद की बाइक है, ऑब्वियसली रेंट पे मिली थी, रेंट वाली तो रफ पे चलती है, लेकिन खुद की बाइक के हिसाब से भी मैंने इसको बहुत रफली चलाया, मैं बाइक से गिरा भी, मतलब सब कुछ किया बाइक पे। तो बस अभी चलते हैं, अभी मैंने बहुत कुछ नोट कर रखा है, क्या क्या मेरे को अच्छा लगा, क्या क्या बुरा लगा, क्या क्या इसमें कमियाँ हैं, क्या क्या अपने को ठीक करना है या हो सकती है नहीं हो सकती, मतलब हर एक चीज़ मैंने नोट कर रखी है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो। और एक चीज़ और, जो मैंने सम गार्ड्स के नीचे का ब्लैक करवाया था, वो जैसे बारिश में पानी जब अगले टायर से पानी ऊपर उछलता है तो उसको हिट करके सारा जहाँ जहाँ पे पानी लगा वो सारा ब्लैक था, वो सब वो पेंट उतर गया। तो अभी सबसे पहले आपको वो दिखाता हूँ, ये जैसे बाइक चलती है तो इस टायर से यहाँ से पानी ऊपर उठता है बारिश में, तो उससे ये पेंट ही उतर गया, तो मेरे को उसके पास दोबारा जाना पड़ेगा, इसको पेंट करवा के लाता हूँ, इसको दे के आता हूँ, फिर आके धो के दिखाता हूँ आपको अच्छे से, अभी तो मैंने धोई भी नहीं है। तो ऐसी कुछ हालत है इसकी, तो अभी इसको फटाफट से उतार के मैं पेंट करना दे आता हूँ ताकि ये अच्छे से पेंट हो जाए, और अब की बारी मैं इस पर पेंट भी करवाऊँगा अच्छे से, उसको बोलूँगा कि भाई अच्छे से करेगा, और उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का रैप भी करवा दूँगा ताकि डबल प्रोटेक्शन होगी। तो फिर देखते हैं अगर कैसे काम करता है नहीं करता। तो बस अभी स्टार्ट करते हैं सीधा, भाई क्या क्या चीज़ मेरे को अच्छी लगी बाइक में, क्या क्या नहीं अच्छी लगी। तो पहले तो आप बाइक के पास चलते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं। ओके, तो सबसे पहले हम इसका फ्रंट सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये जो टायर है C8 के ट्यूबलेस टायर, इनकी ग्रिप बहुत अच्छी है रोड पे और पानी में भी बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही मड आता है, कीचड़ आता है या कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ एरिया आता है, तो ये टायर बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्लिप करते हैं, मतलब कोई ग्रिप नहीं है, बहुत आराम आराम से आपको चलानी पड़ेगी। तो मेरे साथ तो यही हुआ, क्योंकि मेरे को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है एडवेंचर बाइक का, इसलिए मैं तो आराम आराम से निकाल रहा था ताकि गिर ना जाऊं, लेकिन मैंने ये चीज़ मैंने नोट करी है कि मड में इनकी ग्रिप नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट है, और नेक्स्ट है भाई इसके ब्रेक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब मेरे को कोई कमी नहीं लगी इनकी ब्रेक्स में, फ्रंट वाले में जैसे ही आप दबाओगे एकदम से रिस्पॉन्स करते हैं। और सस्पेंशन भी बहुत बढ़िया है, आपको बिल्कुल भी कोई बम्प नहीं फील होगा, कोई इसमें सील की लीकेज नहीं हुई। मैंने बहुत ज़्यादा इसको रफली भी चलाया, तेज भी चलाया, खंडों में स्लो भी चलाया, जैसे कोई किसी टाइप का कुछ भी फील नहीं हुआ मेरे को। ओके, तो अब चलते हैं इसके ऊपर की साइड। ये देखो, ये पानी लग के यहाँ पे जो अपने PPF कराया था वो मिट गया है। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है ना, इसमें जैसे यहाँ पे पानी होता है ना, पानी यहाँ पे हिट करता है, तो हिट करते ही एक तो ये चीज़ को चलोगे तो कोई नहीं, ये तो ठीक हो जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पानी मतलब ना हाई स्पीड पे बिल्कुल ऊपर तक जाता है, यहाँ से हिट करता है फिर ऊपर तक जाता है हवा में, तो इसका तो पता नहीं कोई इलाज है कि नहीं है। और इसके बाद अब बात करते हैं इसकी लाइट की। इसकी लाइट में मेरे को कोई भी किसी भी टाइप की कोई कमी नहीं लगी, थ्रो सही है। तो इसकी लाइट का जो थ्रो है वो वाइड ज़्यादा है, लॉन्ग नहीं है, वाइड ज़्यादा है, लॉन्ग ठीक है, जितना मेरे को चाहिए, मेरे लिए तो इनफ है, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है अगर इसकी मेरे को आफ्टर मार्केट लाइट लगवाने की।
अगर मेरे को कभी लगवानी भी पड़ी तो मैं आरी की ओरिजिनल ही लगवाऊंगा, जो अभी आई नहीं है, लॉन्च नहीं हुई मेरे ख्याल से। साइट पे तो दिखा रहा है लेकिन लॉन्च नहीं हुई। तो अब इसका बात करते हैं अपर बॉडी की। अब भाई इसके ब्रेक लीवर, ये ब्रेक लीवर है, ये बिल्कुल मतलब किसी भी टाइप का कोई पेन नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत वाइड है, बहुत कंफर्टेबल है इस पकड़ना इनको। और सेम क्लच का भी, क्लच भी बहुत कंफर्टेबल है और बहुत ही लाइट है, बहुत लाइट क्लच है इसका। और अब इसके मिरर्स, तो इसके ये जो मिरर्स हैं इनमें हाई स्पीड पे, मतलब बाइक जब चल रही है तो कोई भी वाइब्रेशन नहीं है, जीरो वाइब्रेशन है, जीरो जिसे कहते हैं जीरो, और बिल्कुल परफेक्ट क्लियरिटी है, बिल्कुल सही दिखता है पीछे, कोई मेरे को कोई इतनी सी वाइब्रेशन नहीं फील हुई। और इसके बाद जो इसका है विंड ब्लास्ट, विंड ब्लास्ट देख आप देखो कि यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का विंड ब्लास्ट फील नहीं होता। जो भी फील होता है कि इस एरिया से ऊपर ऊपर होता है, क्योंकि ये ऊपर हेल्प यहाँ पे, तो यहाँ तक तो ये चीज़ इतना कवर कर लेता है यहाँ तक, और फिर इससे ऊपर ऊपर हेलमेट पे फील होता है, जो कि होगा ही होगा, वो हर एक बाइक पे फील होता है, उसका कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज यही है कि इसमें बहुत बड़ी विंडशील्ड लगाऊंगा तो कुछ भी आगे कुछ भी नहीं दिखेगा, और मेरे को भी प्रॉब्लम आएगी बाइक चलाने में, क्योंकि वो गंदी हो जाती है, मच्छर मर के, मिट्टी लग के वो गंदी हो जाती है, उसको कौन बार बार साफ करता रहेगा। तो इसलिए बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी विंड ब्लास्ट नहीं लगता, जितना मिनिमम लगना चाहिए उतना ही लगता है। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट है इसका अपना हैंडल की वाइब्रेशन का, हैंडल में वाइब्रेशन है, बिल्कुल है। और इसकी जो हैंडल की अलाइनमेंट है, ये भी थोड़ा सा इस तरफ को टेढ़ा है। ये मैंने एक रील देखी थी, उस रील में मैंने जैसे आप देखो इधर दिख रहा है थोड़ा सा शोवा दिख रहा है इधर, और इधर कुछ नहीं दिख रहा, इधर कवर हो गया है, तो मतलब थोड़ा सा इधर से इस तरफ है। तो मैंने एक रील देखी थी, तो वैसे मैं बाइक चला रहा था, मेरे को ध्यान आया, तो मैंने भी नोट किया कि हाँ थोड़ा सा तो टेढ़ा है, कोई नहीं इसको ठीक कर देंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, सब कुछ जो भी है सब कुछ ठीक करूँगा, अभी मैं बस आपको बता रहा हूँ। तो हैंडल में वाइब्रेशन है, बिल्कुल है, बढ़िया वाली। और एक चीज़ और, जो अपना ट्रिप का इशू आ रहा था वो भी अब ठीक हो गया, वो मेरे को पता नहीं था कैसे होता है, लेकिन अब मैं बताता हूँ कैसे होता है। जैसे ऐसे अब बिल्कुल कुछ नहीं है, अब इसको इस तरफ करेंगे, लेफ़्ट साइड करेंगे तो ये ट्रिप्स दिखाएगा, राइट साइड करेंगे तो यहाँ पे सेटिंग आनी चाहिए, लेकिन सेटिंग नहीं आ रही थी क्योंकि इसको ऊपर की तरफ पुश करना है। तो बहुत कुछ है इसमें, अपीयरेंस है, मतलब बहुत कुछ है, अगर मैं इस पर बढ़ाने लग गया तो पूरी एक प्रॉपर वीडियो बन जाएगी, इतने सारे फंक्शंस है इसमें। इसको छोड़ते हैं, बस मैं ये दिखा रहा था कि भाई मीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को मिल नहीं रहा था, मेरे को ढूंढना नहीं रहा था कैसे ढूंढते हैं, अब मेरे को मिल गया, अब मैं इसकी ट्रिप भी रिसेट कर सकता हूँ। तो अब हम चलते हैं इसके मिड सेक्शन पे। तो मिड सेक्शन पे भाई जैसे इंजन है, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजन बिल्कुल सही है, और ये चीज़ थी इसमें वाइब्रेशन थी, तो जो मैंने इसमें वो जुगाड़ किया था रबड़ लगा के, वो बिल्कुल सही है, कोई भी किसी भी टाइप की वाइब्रेशन नहीं है अब। और जिसने वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कैसे मैंने इसको ये वाइब्रेशन रिमूव करी थी। और ब्रेक लीवर भी एक नंबर का है, मतलब बहुत बढ़िया है, बिल्कुल भी स्लिप नहीं होता शूज़ इस पर, यहाँ पर बढ़िया से यहाँ से बिल्कुल सपोर्ट मिलती है, यहाँ पे कहीं पर टच नहीं होता, मतलब ऐसा कोई टच नहीं होता। और ये जो सीट है, इस सीट के नीचे बहुत सारी मतलब जगह है, इसमें मैंने अपनी टूल किट भी रखी है, और एक एक्स्ट्रा कपड़ा भी रखा है, एक टूल किट इधर भी है, और जो मेरे को एक यूज़ करनी है वो इधर भी है, मतलब बहुत जगह है ये। और इसकी और मैं बता देता हूँ कि इसकी मैंने बिल्कुल हाइट बिल्कुल इंक्रीज़ कर रखी है, क्योंकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसकी हाइट बिल्कुल अप कर रखी है जितनी मैक्सिमम हो सकती है, तो इस वजह से सीट के नीचे बहुत सारा स्पेस है जिसमें मैंने सामान रखा हुआ है, ताकि मेरे को बार बार लगेज में डालना ना पड़े, और अगर मेरे को कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने इसके अंदर ही रख लिया, क्योंकि इसमें मेरा पंचर रिपेयर किट भी है, जो कि मेरे को बार बार लगेज में नहीं रखना पड़ेगा, बाइक के अंदर ही परमानेंट रहेगा। तो अब चलते हैं दूसरी साइड में। तो ये इसका गियर लीवर है, और इसमें मेरे को कोई इशू नहीं लगा, बस एक ही प्रॉब्लम मेरे को फील हुई कि भाई जैसे ही आप इमरजेंसी ब्रेक लेते हो या फिफ्थ या सिक्स्थ गियर में होते हो, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है गियर को डाउन करने में, मतलब पूरे गियर निकालने में और फिर से फर्स्ट गियर में लाने में थोड़ा सा मेरे को फील हुआ, प्रॉब्लम होती है, और बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल गियर बिल्कुल ईजीली लगता है, बिल्कुल स्मूथ है, कोई हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है।
और वो मेरे को लगा वो चीज़ तो हर एक बाइक में होगी, क्योंकि आप एकदम से सिक्स्थ या फिफ्थ गियर से फर्स्ट में आओगे, आपकी बाइक रुक गई है इमरजेंसी में, कोई आगे आ गया है तो एकदम से आप रोकोगे और फर्स्ट गियर में लाओगे तो वो तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और भाई और सबसे बड़ा मेरे को जो प्रॉब्लम वो लगी स्टैंड में, ये स्टैंड बहुत ही ज़्यादा बाइक टेढ़ी हो जाती है इससे, जो कि मेरे को बार बार कोई ना कोई कोई पत्थर या कोई ऐसी जगह देखनी पड़ रही थी जहाँ पे मैं अपनी बाइक को मतलब साइड स्टैंड पे लगाऊं और ज़्यादा टेढ़ी ना हो, क्योंकि बाद में फिर उसको पुश ऊपर की तरफ उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसका कोई इलाज भी नहीं है, इलाज इसलिए नहीं है क्योंकि ये ना एल्यूमिनियम का है, ये पूरा स्टैंड एल्यूमिनियम का है और इस पर कुछ वेल्डिंग नहीं हो सकती कुछ भी तरह की किसी भी चीज़ की, यहाँ पर अगर मैं कुछ लगाना भी चाहूँ तो वेल्डिंग नहीं हो सकती। जो आफ्टर मार्केट स्टैंड के नीचे यहाँ पे एक प्रोटेक्शन सी लगती है, मेरे को वही लेनी पड़ेगी। वो मैं जाऊँगा कभी दिल्ली या चंडीगढ़ तो ढूंढते हैं, ऑनलाइन तो मेरे को मिला नहीं क्योंकि पुरानी हिमालयन का मिल रहा है, इसका भी आया नहीं आई थिंक, अगर मुझे मिला तो मैं लगवा लूँगा। और अब आते हैं इसके बैक सेक्शन पे। बैक सेक्शन में भाई ये जो टायर है सेम प्रॉब्लम इसकी भी है, बारिश में और रोड पे बिल्कुल परफेक्ट, मतलब 1% भी ग्रिप लूज़ नहीं होती, बारिश में भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मड आया, मड में तो वही ज़ीरो, कुछ भी मेरे को फील ही नहीं हुआ कि भाई कहीं से कोई ग्रिप मिल रही है मेरे को, बहुत आराम आराम से जाना पड़ रहा था। मतलब थोड़ा सा भी मड था तभी भी स्लिप कर रहे थे अगला पिछला दोनों टायर, तो मड में है इनको दिक्कत। और इसके बाद आते हैं इसकी ब्रेक्स पे। इसकी ब्रेक्स में मेरे पास शब्द नहीं है, इतनी अच्छी है इसकी ब्रेक, रियर और फ्रंट दोनों, किसी भी टाइप का कोई भी इशू नहीं है इन ब्रेक में। बस एक चीज़ मेरे को लगी, इसके देखो लेदर, देखो ये लेदर ऑलमोस्ट हाफ हो गए हैं। तो अभी ये लगाओ मेरी बाइक चली है 2380 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 2500 चल गई है, तो इसमें ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हाफ हो गए हैं। तो मुझे नहीं पता अभी कितने चलेंगे और इसका क्या कॉस्ट है, कितने के पड़ेंगे, अब ये मेरे को थोड़ा इशू लग रहा है इसमें। हालांकि ब्रेक अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी कीचड़ हो पानी हो आपको लगेगा ही नहीं कि मेरी ब्रेक लूज़ हो रही है या मेरे को कहीं से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये भी है कि भाई इसके ब्रेक पैड जल्दी ख़त्म होंगे तो बार बार चेंज करने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे मेरे को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मिलेंगे ही नहीं हमारे शहर में, तो ये भी है। और अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे वाले रैक की, ये यहाँ पे हमने लगेज जो रखा था तो उस वजह से इस पर स्क्रैचेज आ गए हैं और इसका कलर फेड होना शुरू हो गया है। और एक ये है, इस पर भी स्क्रैचेज आ गए हैं, इसका भी कलर थोड़ा सा फेड हो रहा है। हालांकि ये तो प्लास्टिक है, इस पर पेंट कर देंगे हम। और इसका भी इलाज मैंने कुछ ढूंढा है, इसको वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि क्या करना है इसके साथ। और भाई इस बाइक की स्टेबिलिटी तो बिल्कुल मतलब परफेक्ट है, किसी भी टाइप का कोई भी इशू नहीं आएगा जब तक बाइक चल रही है। जब तक बाइक चल रही है आपको कोई फील नहीं होगा, ना ही वेट फील होगा, आप जितनी मर्जी इसको रफली इधर उधर करके चला सकते हो आपको फील नहीं होगा कि भाई ये बहुत भारी है या बहुत बड़ी बाइक है। लेकिन जैसे ही ये रुकती है वैसे ही आपको लगता है कि हाँ मैंने बहुत सारा वेट मेरे नीचे है और मेरे को इसको संभालना है, क्योंकि पीछे लगेज होता है और इसके टैंक बहुत बड़ा है तो उसमें सारा फ्यूल होता है, तो आगे से मतलब थोड़ी सी हैवी हो जाती है, मतलब संभालनी मुश्किल हो जाती है। अगर आपकी हाइट छोटी है तो 100% प्रॉब्लम आएगी आएगी बार बार रुक के चलाने में, तो इसलिए मेरे को ये चीज़ फील हुई। और जैसे ही बाइक चलती है तो 1% भी फील नहीं होता कि भाई आप बड़ी बाइक चला रहे हो। और भाई मेरे को इस बाइक ने ओवरऑल एवरेज दिया है, मतलब 27-30 की एवरेज दी है मेरे को, जो कि सही है। मेरे को इतनी ही उम्मीद थी इसकी। पहाड़ों पे इसने दी है ऑलमोस्ट 27-28 की और हाईवे पे दी है 30 की। अगर आप 90 पे चलाओगे तो 30 से प्लस भी दे सकती है, क्योंकि मैंने तो आते हुए इसको 100 पे ही रखा, 100 से नीचे रखा ही नहीं मैंने इसको। और जो सबसे मेन, जो बहुत मेरे को एक दो कमेंट आए हैं जिन्होंने पूछा है मेरे से कि आपने जो ट्यूबलेस किया था वो कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं कर रहा, तो अभी 2380 किलोमीटर चल गई है, 2380 किलोमीटर में मैंने हाईवे भी किया है, टेम्परेचर माइनस में भी गया हूँ, प्लस में भी गया हूँ, पानी में भी चलाया है, खड्डों, मतलब हर जगह जहाँ पे पॉसिबल हो सकता है मैंने बाइक चलाई है, तो मेरे को कोई भी इशू नहीं आया, ना एक बार भी हवा कम हुई, ना मेरे को कोई दोबारा से हवा भरवानी पड़ी या कुछ ऐसा कुछ हवा फिल करानी पड़ी, मतलब कोई किसी भी टाइप का कोई इशू नहीं आया।
ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने पहले भी अपनी GT में ट्राई करा था तो मेरे को पता था कोई इशू नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें भी ट्राई करा है, तो कोई इशू नहीं है। आप भी कर सकते हो, जिसने वो वाली वीडियो भी नहीं देखी तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो भाई ओवरऑल मैं बता देता हूँ, ये जो बाइक है ये बिल्कुल वर्थ है, आप बिना कोई प्रॉब्लम के लो। तो एक चीज़ और, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे, सब ने जिसने बाइक लेनी है या जिसने बुक करवा लिया सब ने पूछा कि भाई इसके इंजन में से कोई किसी टाइप की आवाज़ तो नहीं है। तो मेरे को कोई आवाज़ फील नहीं हो रही थी जब मैं हेलमेट पहन रहा था, और जब हेलमेट उतार रहा था और तब ध्यान से सुन रहा था तब आवाज़ है, नॉर्मल आवाज़ है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सिंगल सिलेंडर में आवाज़ होती होती है, इतनी आवाज़ नहीं है, बिल्कुल हल्की हल्की आवाज़ है, वो तो आएगी आएगी, उससे कोई सोल्यूशन नहीं है। और एक इसका ये हॉर्न है, ये हॉर्न भी मेरे को डिसेंट लगा, मेरे को इतना ज़्यादा तेज हॉर्न मेरे को भी पसंद नहीं है, तो मेरे को बिल्कुल फाइन लगा, अगले को भी सुन जाता है, अपने को भी दिक्कत नहीं होती, अगला को भी इरिटेशन नहीं होती, एक हॉर्न इनफ है। और एक ये जो पाइप है, ये पाइप मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि मेरे को इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इसके ऊपर एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, वो मैं देखता हूँ, ढूंढता हूँ कुछ जुगाड़, नेक्स्ट व्लॉग में आई थिंक वो लगा दें हम। तो बस भाई यही था इस बाइक में जो मेरे को लगा, मैंने बिल्कुल हर जगह इसको चलाया, प्लेन में भी, मतलब आपने देखा ही होगा प्रॉपर कितनी गंदी थी बाइक, कितने गंदे तरीके से चलाया था मैंने इसको, बिल्कुल मिट्टी में और कीचड़ में, हर जगह पानी में, हर जगह चलाया मैंने इसको। तो मैंने अपना रिव्यू दे दिया जो मेरे को फील हुआ, अगर आपको कुछ, क्या पता मेरे को कुछ याद ना हो, तो क्या पता मेरे को कुछ याद ना आया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से सब कुछ नोट कर लिया था, लेकिन कई चीज़ और हैं जो मेरे को याद नहीं रहती। और एक और अब मेरे को याद आया कि ये सस्पेंशन, इसका सस्पेंशन मैंने कर रखा है बिल्कुल हार्ड सेटिंग पे, हार्ड सेटिंग पे इसलिए कर रखा है ताकि जब भी जैसे लगेज होता है तो बाइक सॉफ्ट पे करूँगा तो बाइक ऐसे ऐसे बंप करेगी, जैसे हाईवेज पे या जैसे भी आप एकदम से बंप आता है, तो अभी क्या है, अभी बिल्कुल भी बंप नहीं कर रही, बिल्कुल सीधी रहती है, बिल्कुल स्टेबल, मतलब जैसे भी मर्जी चलाऊं, और ब्रेकिंग भी इससे अच्छी होती है, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं हमेशा हार्ड पे ही चलाता हूं बाइक को, क्योंकि मैंने लगेज कैरी करना होता है, अगर आपको लगेज कैरी नहीं करना, सिंगल चलानी है तो आप सॉफ्ट पे कर सकते हो, लेकिन अगर लगेज कैरी करना है तो हार्ड पे परफेक्ट रहता है। तो बस यार यही था इस व्लॉग में, अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं इसका जो भी मेरे को इशू लगे वो सब ठीक करूँगा, और आपको दिखाऊँगा कि भाई ठीक कैसे होंगे या नहीं। तो होंगे। बाय बाय, टेक केयर, और भाई लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपको पसंद आए तो।